दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच 5 T20 मैचों की सीरीज खेली जा रही है। सीरीज में 2 मैच हो चुके हैं और दोनों ही टीम ने एक एक मुकाबला जीता है। पहला मुकाबला जिम्बाब्वे ने जीता था और दूसरा मुकाबला भारत ने जीता है। इस तरह से सीरीज अभी बराबरी पे बनी हुई है। टीम इंडिया की तरफ से अभी तक सीरीज में कुल 4 डेब्यू हो चुके हैं। इनमें ध्रुव जुरेल, अभिषेक शर्मा, रियान पराग और साई सुदर्शन के नाम शामिल है। दोनों टीमों के बीच तीसरा T20 मैच 10 जुलाई से खेला जाएगा। तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड में संजू सैमसन, शिवम दुबे और यशस्वी जायसवाल जुड़ेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या टीम इंडिया को प्लेइंग 11 में बदलाव हो सकता है। अभिषेक शर्मा जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20 इंटरनेशनल मैच में 0 रन पे आउट हुए थे, लेकिन दूसरे T20 मैच में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया और तूफानी शतक लगाया। उन्होंने सिर्फ 46 गेंदों में ही शतक पूरा कर लिया। अभिषेक की वजह से टीम इंडिया मैच जीतने में सफल रही है, तो ऐसे में उनकी प्लेइंग 11 में जगह पक्की है। वह कप्तान शुभमन गिल के साथ ओपनिंग करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऋतुराज गायकवाड ने जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में बेहतरीन अर्धशतक लगाया। उन्होंने 77 रनों की पारी खेली। ऐसे में तीसरे T20 मैच में उन्हें तीसरे नंबर पे उतारा जा सकता है। ध्रुव जुरेल पहले मैच में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए, ऐसे में तीसरे मैच में उनकी जगह संजू सैमसन को मौका मिल सकता है। अब संजू सैमसन को मौका इसलिए मिल सकता है क्योंकि वह इंडिया के लिए बहुत सारे मैच खेले हैं और उनकी विकेट कीपिंग स्किल काफी बेहतर है और उनको इंटरनेशनल मैच खेलने के अनुभव भी काफी है। राजस्थान रॉयल्स के लिए कप्तानी भी करते हैं, तो इसलिए उनको टीम में ध्रुव जुरेल की जगह मौका मिल सकता है। इसके अलावा 5वें नंबर पे रिंकू सिंह को चांस मिल सकता है। पिछले कुछ समय से हर मौके पर रिंकू सिंह ने खुद को साबित किया है। डेथ ओवर्स में उनकी बैटिंग देखते ही बनती है। जब वह लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमक को धज्जियां उड़ा सकते हैं और उन्होंने कल की मैच में जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, जिस तरीके से उन्होंने 22 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली है, वह बेहद लाजवाब है। वह फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं। शिवम दुबे को रियान पराग की जगह मौका मिल सकता है और साई सुदर्शन को भी प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। शुभमन गिल ने पहले मैच में खलील अहमद को चांस दिया था, लेकिन दूसरे मैच में उन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया था। तीसरे T20 मैच में तेज गेंदबाजी आक्रमण की जिम्मेदारी आवेश खान और मुकेश कुमार को सौंपी जा सकती है। इन दोनों प्लेयर्स ने दूसरे T20 मैच में 3-3 विकेट अपने नाम किए थे और टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा की थी। रवि बिश्नोई ने अभी तक खेले गए दोनों ही मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है और उन्हें इंटरनेशनल मैचेस खेलने का अनुभव भी है। पहले भी वो इंडिया के लिए मैच खेल चुके हैं, तो ऐसे में उनका खेलना तय है। ऑलराउंडर के तौर पे वाशिंगटन सुंदर को चांस मिल सकता है क्योंकि वाशिंगटन ने भी टीम इंडिया के लिए बहुत सारे मैचेस खेले हैं। बीच में ड्रॉप भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारे मैच खेले हैं। पहले तो वो ऑलराउंडर भूमिका निभा सकते हैं। बात करें तीसरे T20 मैच के लिए भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, तो सबसे पहले शुभमन गिल कप्तान होंगे, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन विकेट कीपर, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, साई सुदर्शन, वाशिंगटन सुंदर, आवेश खान, मुकेश कुमार और रवि बिश्नोई। तो ये संभावित प्लेइंग 11 है। आपके हिसाब से अगर कुछ चेंज होना है तो वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।